सवाल बच्चों, चलिए आज हम दूसरा और तीसरा प्रश्न के उत्तर भी हम लिख देते हैं। पाठ पांच, मुंबई की सैर। पहला प्रश्न तो हमने लिख लिया है और उसके शब्दार्थ भी हमने लिखे हैं। पहले प्रश्न के उत्तर भी हमने लिखे हैं, इस पाठ के शब्दार्थ भी लिखे और पहले प्रश्न का उत्तर भी हमने लिखा है। आज हम दूसरा और तीसरा प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। पहले आप सुनिए, उसके बाद में आप भी अपने मन में पढ़िएगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं आप अपनी किताब में। नाना जी ने उसे कहाँ कहाँ घुमाया। नाना जी ने उसे जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली भी घुमाया। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम उस सभी स्थलों का अगर हम नाम लिखते हैं तो प्रश्न का उत्तर बहुत ही बड़ा हो जाता है। आप लिख सकते हो, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया भी देखा है उन्होंने, मरीन ड्राइव भी देखा है, और दो स्थलों के नाम भी आप लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसे देखकर आप लिख सकते हैं। और सिद्धि विनायक, देखिए यहाँ पर जो है आर्ट आर्ट आर ट ऐसे देखिए आ र ट इसके लिए र के बदले में हम ट को जो है रेफ की मात्रा देते हैं ऊपर, ट के ऊपर ये जो है रेफ की मात्रा है, यानी कि आर ट लिखना नहीं है हमें, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटे से इसमें हमने क्या किया, इस र की मात्रा को ऊपर दे दिया है। आर्ट र का भी उच्चारण होता है और ट का भी उच्चारण होता है, तो इस मात्रा को हम कहते हैं रेफ की मात्रा कहते हैं। कुछ अक्षरों को ऊपर दिया जाता है और कुछ अक्षरों को नीचे दिया जाता है, पदेन कहते हैं उसे। रेफ की मात्रा में, पदेन में रेफ की मात्रा आती है, कुछ घुमाओ अक्षरों को नीचे दी जाती है, ये वाले हैं घुमाओ अक्षर, थोड़े अक्षरों को ऐसे दी जाती है, ये भी है पदेन में आती है ये, और थोड़े अक्षरों को ऊपर दी जाती है, ये सब मिलाकर पदेन कहते हैं इसे। और रेफ की मात्रा र की मात्रा है ये, तो वैसे हमने रेफ की मात्रा दी गई है, यानी कि हमें र लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम र की मात्रा ऊपर दे सकते हैं। तो बना आर्ट आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर, समय की मात्रा और अन की भी मात्रा लगी है, तो बना सेंटर। सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, देखिए द द में हमने पैर मोड़ा, आधा अक्षर बन गया हो, और यह ई ई की मात्रा, पहली की मात्रा सिद्धि, सम में भी पहली की मात्रा और ध में भी पहली की मात्रा, ग में भी पहली की मात्रा है, तो बना सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी यह क्ष आधा क्ष और पूरा म जोड़ दिया है उसमें, दूसरी की मात्रा है, मंदिर एवं हाजी अली भी घुमाया। हाजी अली दरगाह है वहां पर, समुद्र के पास ही है और वो पानी में है, बहुत ही अच्छा स्थल है, उसे देख सकते हैं हम। जब भी कभी आप मुंबई जाइए तो
उसे देखिएगा जरूर। प्रश्न तीसरा, आपने कौन कौन से शहर देखे हैं। देखिए जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो भी हमारे रिश्तेदारों के पास हम जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो उस शहर में कोई भी देखने के जैसा देखने लायक अगर स्थल है तो जरूर हम जाकर उसे देखते हैं। तो एक पता चलता है हमें कि क्या है वहाँ पर, किस वजह से उस शहर प्रसिद्धि मिली है, उस शहर को प्रसिद्धि मिली है। जैसे कि हमारे हैदराबाद में, हैदराबाद नाम शहर का नाम सुनते ही हमें क्या ज्ञात हो जाता है, यानी किसी को भी क्या ज्ञात हो जाता है, चार मीनार, गोलकोंडा, ये जो प्रेक्षणीय स्थल है उस स्थल का ज्ञात हो जाता है, वो पहचान है, उस शहर की पहचान है। हैदराबाद जो कि हमारा ही शहर है, हम तो इसे जरूर देखे हैं, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु देखा है। बेंगलुरु का लाल बाग भी बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। दिल्ली का लाल किला बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो देखते हैं मुंबई में तो बहुत सारे ऐसे देखने जैसे बहुत स्थल हैं, मरीन ड्राइव वगैरह है, जुहू बीच है, वहाँ पर समुंदर के किनारे जाकर हम मजे ले सकते हैं। तो आपने कौन कौन से शहर देखे हैं, इसके अलावा आप अगर कोई और भी शहर देखा होगा जो कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, उस शहर का भी नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन उस शहर में आपने क्या देखा वो भी आपको ज्ञात रहना चाहिए। जैसे कि सन टेम्पल वगैरह है ना भुवनेश्वर में, वो मैंने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु देखा है। नानाजी ने उसे कहां कहां घुमाया, नानाजी ने उसे जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली भी घुमाया। अभी इन प्रश्नों के उत्तर को आप देखिए और लिखिए। पांचवा, नानाजी ने उसे कहां कहां घुमाया। देखिए मैं आपको थोड़ा समय देती हूं, आप देखकर लिखिएगा। और थोड़ा नजदीक से मैं बताती हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न दूसरा, नानाजी ने उसे कहां कहां घुमाया, नानाजी ने उसे जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली भी घुमाया। तो सभी अक्षर सभी शब्द स्पष्ट हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न है, आपने कौन कौन से शहर देखे हैं। मैंने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, ब में आई की मात्रा और अम की मात्रा दी गई है, बेंगलुरु बेंगलुरु देखा। इन शहरों के नाम सही लिखिएगा।
आपने इस प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए और इसे बार बार पढ़ते रहिएगा और प्रश्नों के उत्तर भी आप याद कीजिए। नाना जी ने उसे कहाँ कहाँ घुमाया? नाना जी ने उसे जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली भी घुमाया। आप प्रश्न तीसरा, आपने कौन कौन से शहर देखे हैं? मैंने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु देखा। अब हमारी अगली क्लास में हम लिखते हैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद।